हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो लेक्चर हिंदी एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ शैव भागवत धर्म तथा धर्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर वन लाइनर, जो कि आपके वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषय धारकों के अनुसार चार युगों का क्रम कौन सा होता है? जैसे चार युग हैं वो कौन कौन से क्रम के हैं? तो वो है, सबसे पहले आता है यहाँ पर कृत युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अब है जो चल रहा है कलयुग। ये चार युग है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? सबसे प्राचीन संप्रदाय शैव का था मत्तम मयूर। मत्तम मयूर सबसे प्राचीन संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है देवी और उनकी शक्ति के योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयनार कौन थे? तो नयनार एक शैव थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो ऑप्शन है पोगई, तिरुज्ञान, पूरम या तिरुमंगलई। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसमें तिरुज्ञान, जो कि अलवार संत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो ये है गुप्त साम्राज्य की देन अत्यधिक है सबसे ज़्यादा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कृष्ण, भगवान कृष्ण। कौन सा ग्रंथ सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन करता है? तो ये करता है छांदोग्य उपनिषद। वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने सबसे पहले प्रारंभ की थी। किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो आप लोग जानते हैं बलराम जी को। और ये सारे क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ये लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आईएएस हो, या फिर उत्तराखंड पीसीएस, एमपीपीसीएस, किसी में भी, सब में आए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 9 संख्या। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख संदर्भित हैं केवल वसुदेव से संबंधित हैं और किसी से नहीं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य हैं हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म से ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख ये साक्ष्य हैं बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है और इसे लोकल लैंग्वेज में खंबा बाबा भी कहते हैं। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था तक्षशिला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये वराह अवतार को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदिक लक्षण होता है? तो ये होता है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। मतलब कि आस्तिक लोग मानते हैं, वेदों में प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं और नास्तिक लोग नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये देता है भगवत गीता। कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थानत्रयी 3 लोगों की है, तो उसमें है भागवत धर्म सम्मिलित नहीं है, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद सम्मिलित हैं। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, तो यह नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये किष्किंधा कांड में है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। नासिक के कुंभ मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो ये लगता है गोदावरी नदी के किनारे। अब हम यहाँ पर धर्म के बारे में बात करेंगे और उनसे कौन सा सुमेलित है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, जैन धर्म पावापुरी में उद्घाटित हुआ था, हिंदू धर्म बनारस में, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी में, वेटिकन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे अब छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से थे? चांदी के सिक्के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें राजाओं की और उनके राज्य की बात करेंगे कौन कौन से सुमेलित थे। तो राजा प्रद्योत अवंती के शासक थे, उदयन मगध उदयन वत्स के शासक थे, प्रसेनजीत जो थे कौशल के शासक थे और अजातशत्रु मगध के शासक थे। कौन से अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो ये कलिंग अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंती का नाम था। आगे बात करते हैं हम प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में है, तो ये माध्यमिका नगरी और विराट नगर जिसे वैराट भी कहा जाता है ये दोनों में है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये उदयन है पाटलिपुत्र के संस्थापक। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था सर्वप्रथम अपनी राजधानी। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। किस शासक उदयन वासवतत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उज्जैन से। मगध सम्राट साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। इसमें से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो काशी सबसे ज्यादा शक्तिशाली नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? तो शाक्य है, लिच्छवी है, योधे नहीं है इसमें। और मैं आपको बता दूं गणतंत्र और राजतंत्र उस समय भी था और गणतंत्र में कुल 10 राज्य थे, वो थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामागाम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये सारे उस समय गणतंत्र राज्य थे। नेक्स्ट विश्व का पहली गणतंत्र जो था वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी लिच्छवियों के द्वारा। नेक्स्ट आपको बताना है उपयुक्त जोड़ी कौन सी है? तो पार्श्व जंत्रिका बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, बट चेतक लिच्छवी से जोड़ी स्मृत नहीं करती है। सॉरी इसमें उल्टा बता दिया मैंने आप लोगों को, आई एम सॉरी। चेतक लिच्छवी से, चेतक जो राजा थे लिच्छवी के राजा थे, बाकी यहाँ पे जोड़ी मैच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में कौन सा बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? किसकी? अंगुत्तर निकाय की मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे है? अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में भी मिलती है और भगवती सूत्र में भी मिलती है। नेक्स्ट महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी अहिच्छद्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा राजधानी थी सुरसेना की। चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी। शक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो चेदी की राजधानी थी। गोदावरी नदी के पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो ये था अस्सक महाजनपद। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी राजगृह, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है। मगध की प्राथमिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभ में जो थी वो थी राजगृह, जिसे गिरिब्रज कहते हैं। कौन सी मगध की राजधानी नहीं रही है? तो गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र तीनों रही है, कौशाम्बी नहीं रही है कभी भी मगध की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्ध चंद्राकार आकृति का है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का था। वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था तो था अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो ये था मौर्य वंश का। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है? तो यह खारवेल का हाथीगुंबा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राजवंशों को क्रमानुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले हर्यक वंश आएंगे, फिर नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश आएगा और फिर शुंग वंश आएगा। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो महापद्म नंद जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबसार के दरबार से संबंधित था। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब मैं राजधानी की बात करूंगी और उस राज्य की बात करूंगी, तो प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियां। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छद्र, कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो आज हमने बात की यहाँ पर शैव और भागवत धर्म के बारे में और छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में। आगे हम यूनानी आक्रमण और जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में हम बात करेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही सारे लेक्चर ख़त्म करेंगे। इन लेक्चरों को आप कहीं भी आते जाते रास्ते में ऑडियो लगा के, इसको ईयरफोन लगा कर आप लोग सुन सकते हैं, जिससे आपके टाइम की भी बचत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस वंश।